हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर बना सकें, और इसी प्रयास में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कुछ टाइम से, और उस सब्जेक्ट का नाम है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जितना ध्यान से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में। तो आज इस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का एक नया पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, और इस नए पार्ट का, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पेन टैबलेट। तो इस नए पार्ट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, वो है डीप फाउंडेशंस। अगर आप ध्यान दो तो पिछले तीन सेशन, इनफैक्ट चार सेशन में, जिनमें से तीन सेशन में हमने शैलो फाउंडेशंस की थ्योरी पढ़ी और एक सेशन में हमने पी वाई क्यूज करे। आज हम डीप फाउंडेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी आप देखोगे कि गेट एग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में लगातार क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगेन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद करे हैं तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। गुड आफ्टरनून हसीब। सो आज का इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करते हैं। बट देखिए, एक बात मैं इसमें आपको बताऊं क्लियर, अगेन पाइल फाउंडेशंस थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। गेट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इन फॉर्मूलों पर आएंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मार्क्स चले जाएंगे। तो शैलो एंड डीप, या जिसमें डीप में हमें पाइल पढ़ना है, तो शैलो और पाइल फाउंडेशंस में मेक श्योर फॉर्मूला याद रहे। और फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो होगी ही, फॉर्मूले भी बेहतर तरीके से याद रहेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टीचर इंट्रोडक्शन, अमनप्रीत सिंह चड्ढा, बताया ही मैंने नाम है और ये सब चीजें तो आपको पता ही, बट ये मैं दोबारा बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन टेक्निकल एंट्री फॉर इंजीनियर्स इन इंडियन आर्मी, टीजीसी 118 एंट्री थी, इसमें फर्स्ट आया था मैं, तो बताना है मैंने। फिर देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जरूर करिए, उनमें से एक है जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं डालूंगा। आपने टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है अमन चड्ढा, यही सामने यही फोटो दिखेगी आपको, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर अनअकैडमी ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर ले। एडवांटेज ऐप इंस्टॉल करने का ये है कि एग्जाम में बेस्ट रैंक लाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है आपको सब अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएंगी, जैसे टीचर के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशंस। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, ऐप स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए एंड जस्ट इंस्टॉल दी ऐप। ऐप को इंस्टॉल करने से बेनिफिट्स मिलेंगे, बट पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एज पर ड्यूरेशन द कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज वेरिंग। ये इनिशियल कॉस्ट है, बट अगर आप प्रोमो कोड चड्ढा 10 या चड्ढा SC यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो जो नीचे वाली कॉस्ट है ये ऑफ मिलने के बाद की कॉस्ट है। जैसे मैंने बताया एडवांटेज क्या होगा, आपने देखा ही होगा अनअकैडमी ऐप पर कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनको आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, लॉक का साइन बना हुआ आता है क्योंकि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करा है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद आप हर वीडियो देख सकते हो अपने कोर्स की, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, इनको डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं, टीचर के PDFs आपको मिल जाएंगे, डाउट सेशंस होंगे जिनमें आप अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, रेगुलर टेस्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो।
आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइल फाउंडेशन। लेक्चर नंबर 39 है और पार्ट है फर्स्ट। ये मान के चलिए 100% नेक्स्ट वीक सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का। बड़ा सब्जेक्ट था, अक्टूबर 8-9 के आसपास स्टार्ट करा, दिसंबर 8-9 के आसपास खत्म होगा। और मैंने बोला ही था कि एक बड़ा सब्जेक्ट है, 15 नंबर का सब्जेक्ट है। रिवाइज जरूर करिएगा सब्जेक्ट को, क्योंकि रिवीजन नहीं करा तो चीजें भूल जाएंगे। जैसे कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, जैसे इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला पढ़ा। अब क्या होगा कि कल तो आपको फॉर्मूला जिस टाइम पढ़ाया उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से याद होगा। मेक श्योर आज आपको याद हो और अब से एक हफ्ते बाद भी याद रहे। सो क्यू बी 1 माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन ई आई एफ। तो जिस टाइम पे एक पार्ट पढ़ाओ, एक टॉपिक पढ़ाओ, उसी टाइम पे पूछो, तो बच्चे बहुत एनर्जेटिकली आंसर दे देते कि सर देखिए ये होगा ऐसे होगा। बट आपको श्योर करना है कि बाद में भी फॉर्मूला याद रहे। अब देखो आईएफ को लेके ही, आईएफ रिजिड के लिए अलग होगा, फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए अलग होगा। फ्लेक्सिबल फुटिंग में भी फिर सेंटर पे कितना है, कॉर्नर पे और एज पर, इसका एक टेबल होता है। रिजिड के लिए दो वैल्यूज आपको याद रखने की, अगर सर्कुलर फुटिंग है और अगर स्क्वायर फुटिंग है जो रिजिड है। सर्कल में आईएफ 0.8 है और स्क्वायर में 0.82 है। ये डेटा टैली करते रहिए हर 3-4 दिन बाद। कोई भी टॉपिक आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, बट इस डेटा को कहीं कोने में 1 सेकेंड 10 सेकेंड में आप लिख लोगे, लिख लो। लगातार आप चीजों को लिखते रहोगे तो आपके दिमाग में वो आ जाएंगी। वेरी गुड मिनी वर्ल्ड बेटा, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। तो आज का इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पे इंट्रो देखते हैं। देखिए शैलो फाउंडेशंस बहुत अच्छी फाउंडेशंस हैं, बट शैलो फाउंडेशन की एक जरूरत है। जब शैलो का मतलब क्या है, कम डेप्थ पर। जब ग्राउंड सरफेस से कम डेप्थ पर ही आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉइल मिल जाए तो आप शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करा देते हो। आपने जमीन से देखा 3-4 मीटर की डेप्थ पर ही एक मजबूत, मजबूत मतलब ऐसा सॉइल जिसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आपको मिल गया तो यू वुड बी अ हैप्पी पर्सन कि ठीक है भाई शैलो फाउंडेशन दे दो, क्योंकि बहुत कम डेप्थ पर ही एक स्ट्रॉन्ग सॉइल मिल गया। मौके पर जहां पर कम डेप्थ पर अच्छा सॉइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग सॉइल नहीं है, तो आपको और गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में जाना पड़ेगा। तो जब हमें शैलो डेप्थ्स पर एक स्ट्रॉन्ग सॉइल नहीं मिलता है तो हम डीपर डेप्थ्स पर जाते हैं। तो जब डेप्थ ज्यादा हो जाती है, और मैंने बताया था अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ से ज्यादा हो जाए तो फिर आप इन फाउंडेशंस को नाम देते हो डीप फाउंडेशंस। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जब फाउंडेशंस बहुत डीप चली जाती हैं तो उनका एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे शैलो फाउंडेशन में हमने तेरजागी जी के बारे में पढ़ा, इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा, मेयर हॉफ के बारे में पढ़ा, तो पाइल फाउंडेशंस का एनालिसिस कैसे होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, इन केस ऑफ फाउंडेशंस बी इट शैलो और पाइल यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। आज भी हम कुछ गेट के क्वेश्चंस करेंगे और आप देखोगे कि अगर फॉर्मूला याद है तो फुल मार्क्स आएंगे। आसान नहीं है फॉर्मूले याद करना, बट मुश्किल भी नहीं है। न्यूमेरिकल करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिवीजन आप मान लीजिए सोम पढ़ रहे, बीच में 2 मिनट निकाल लीजिए और इमीडिएट सेटलमेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। या होता है ना 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद 5-10 मिनट आप रिलैक्स कर रहे हो, उस टाइम पर लगातार फॉर्मूले के आप कांटेक्ट में रहोगे, अपने आप दिमाग में वो बस जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आते हैं। तो डीप फाउंडेशंस हमारा टॉपिक है और डीप फाउंडेशंस में हम फोकस करेंगे पाइल फाउंडेशंस पर। तो जो पाइल फाउंडेशन है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीप फाउंडेशन है। इनफैक्ट पहाड़ों में पाइल फाउंडेशन आपको बहुत देखने को मिलती है। सो दे आर प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल एज एट, दिस इज एट, शैलो डेप्थ इज वीक। शैलो डेप्थ मतलब कम डेप्थ पर एक सफिशियंट स्ट्रॉन्ग सॉइल नहीं है तो हमें और गहराई में जाना पड़ता है ताकि हम बेहतर मजबूती के साथ फाउंडेशन प्रोवाइड करा सकें। अब दे वर्क सिमिलर टू कॉलम्स बट एज सराउंडेड बाय सॉइल बकलिंग डजंट अकर। जैसे आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि
पाइल फाउंडेशन की वर्किंग कैसी होती है, तो आप बोलोगे कि ये एक कॉलम की तरह है, कि कॉलम में एक लोड लगता है, कॉलम अपने मटेरियल की स्ट्रेंथ के थ्रू इस लोड को सह लेता है, बट कॉलम्स अंडर गो बकलिंग। बट पाइल फाउंडेशंस में क्या है, दे आर सराउंडेड बाय सॉइल, तो इनके पास लेटरल मूवमेंट की जगह नहीं होती, तो ये बकल नहीं करते। तो अगर कॉलम की वर्किंग से आप अच्छे से वाकिफ हो तो पाइल फाउंडेशन को समझना आसान हो जाएगा। अगेन जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में उसका फायदा मिलेगा। एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे और टॉपिक्स में भी फायदा मिलेगा आपको। दे कुड बी ड्रिवन इन ग्राउंड और कास्ट इन सीटू। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे कील होती है, कील मतलब नेल, नेल को हम क्या करते हैं, हैमर की हेल्प से जमीन में पेनिट्रेट करा देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पाइल को ग्राउंड में हम पेनिट्रेट करा सकते हैं। इनको बोला जाता है ड्रिवन पाइल्स। तो आपने क्या करा, पाइल लिया, जमीन पे रखे हो, बहुत बड़ी हैवी मशीनरी के थ्रू, एकदम सिंपल, जैसे कील नेल को दीवार में गाड़ा जाता है, उसी तरीके से आपने पाइल फाउंडेशन को ड्राइव करके ग्राउंड में डाल दिया। एक तरीका ये है, इसको बोलेंगे ड्रिवन। दूसरा होता है कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू में क्या हो गया, मान लीजिए आपने गड्ढा करा, ठीक है, गड्ढे में कॉन्क्रीट भर गया, कॉन्क्रीट सूख गया, तो इसको हम बोलेंगे कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू मतलब उधर ही बनाया जा रहा है, साइट पर ही करा आपने। एक बात जरूर ध्यान रखिए, पाइल कभी भी सिंगल नहीं होगी, कई सारी पाइल फाउंडेशंस दी जाती हैं, सो दे आर प्रोवाइडेड इन ग्रुप्स। तो ऐसे ये अकेली समझने के लिए बनाई जाती है, बट ये ग्रुप्स में होंगी। इसी तरीके से पाइल फाउंडेशन का सिलेबस भी आपका दो पार्ट में बांटेंगे, एक में हम सिंगल पाइल का एनालिसिस करेंगे और फिर हम ग्रुप पाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात मैं क्लियरली बता दूं, 2 नंबर का रेगुलर क्वेश्चन आता है गेट का इसमें, बट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा, बट हाँ फॉर्मूले इसमें काफी सारे हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक में मार्क्स स्कोर करने हैं तो फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, और फॉर्मूले पर ध्यान देने का मतलब है प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल। मैं आज आपको 2014, 2015, 18, 19 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्टली क्वेश्चन विल बी फॉर्मूला डिपेंडेंट, ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं। नमस्ते अर्चित। अब पाइल फाउंडेशन तो मैंने आपको बताया, एक ऐसी फाउंडेशन जिसमें डेप्थ विड्थ से बहुत ज्यादा है। अब इनका क्लासिफिकेशन क्या, कितने टाइप हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉलम्स। देखिए कॉलम्स कैसे क्लासिफाई करते, मटीरियल के बेसिस पर, फिर कॉलम पे लगने वाला लोड कैसा है, एक्सियल है, बाई एक्सियल है, बाई सेंट्रिक है, इस तरीके से। तो पाइल्स का भी कई सारा क्लासिफिकेशन है, इनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आते हैं बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, मतलब पाइल का फंक्शन क्या है। इसमें आप पढ़ते हो एंड बियरिंग पाइल्स होती हैं, फ्रिक्शन पाइल्स होती हैं, अभी दिखेगा। दूसरा बेस्ड ऑन इट्स मटीरियल, 3 मटीरियल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं पाइल फाउंडेशन में, टिम्बर, कॉन्क्रीट, स्टील। इनमें सबसे बेस्ट होता है कॉन्क्रीट, क्योंकि टिम्बर आपको पता है अगर वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्टील कोरोड कर जाता है, सो कॉन्क्रीट इज द बेस्ट वन। फिर कॉन्क्रीट के थ्रू आप शेप्स पर भी काफी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, इसमें 2 आएंगी, एक जैसे मैंने अभी आपको समझाया ड्रिवन, गाड़ना जमीन में, और दूसरी कास्ट इन सीटू, गड्ढा खोद के कंक्रीट से भर देना, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक है बहुत वाइड है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लिमिटेड है। देखिए फाउंडेशन पे लोग PhD करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, हमें अपना ध्यान फोकस रखना है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडेशंस पे बुक्स आती हैं, रिसर्च होती हैं, तो बहुत वाइड टॉपिक आप बोलोगे सर ने कुछ घंटों में ही करा दिया, इसलिए कुछ घंटों में हो गया क्योंकि हमें फाउंडेशन का उतना पार्ट कंसंट्रेट करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट।
तो जो मैं आपको इस सेशन में या पाइन फाउंडेशंस के सेशन में पढ़ाऊंगा उस पर फोकस करिए। एक्स्ट्रा पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा नॉलेज की तो कोई कम दिक्कत ही नहीं है, इससे कम नहीं पढ़ना है आपने, इतना पढ़ना है। ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशियंट। अब बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, पाइल फाउंडेशंस के कितने टाइप की होती है उनके फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहले आता है एंड बियरिंग पाइल, फिर फ्रिक्शन पाइल, फिर कंबाइंड फ्रिक्शन एंड एंड बियरिंग, फिर अपलिफ्ट पाइल्स, फिर कॉम्पेक्शन पाइल्स। अब एंड बियरिंग पाइल क्या होती है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था इस चीज में, अगर पाइल मेजर लोड बेस के थ्रू ट्रांसफर कर रही है तो इस पाइल को एंड बियरिंग पाइल बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड बियरिंग पाइल, इफ द मेजर लोड बाय द पाइल इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू इट्स बेस, बेस के थ्रू, जैसे एक शैलो फाउंडेशन में होता है, तो हम इसको नाम देंगे एंड बियरिंग पाइल। नाउ सेकंड कम्स फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, अगर मेजर लोड अलोंग द लेंथ ट्रांसफर हो रहा है, लेंथ के अलोंग, तो ऐसी पाइल्स को हम बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन पाइल है। देखिए एंड बियरिंग में भी कुछ लोड लेंथ के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा, बट उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो अगर हम बोले मेजर लोड बेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो एंड बियरिंग, और मेजर लोड अगर लेंथ, ये लेंथ ऑफ द पाइल है, लेंथ के अलोंग ट्रांसफर हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्रिक्शन पाइल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% न्यूमेरिकल तो आपका इन्हीं दो में से आ जाएगा। फिर कंबाइंड फ्रिक्शन एंड बियरिंग पाइल, दोनों का इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अपलिफ्ट पाइल्स, अपलिफ्ट पाइल्स क्या करती हैं, ये उन जगहों पर प्रोवाइड की जाती हैं जहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो सॉइल पार्टिकल है वो उठने की कोशिश करे, उड़ने की कोशिश करे। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे डैम्स में होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो जहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है वहां पर अपलिफ्ट पाइल्स दी जाती है। पांचवा नाम आप देख रहे हो कॉम्पेक्शन पाइल्स। इन पाइल्स का मेन काम लोड उठाना नहीं है, जब इनको ड्राइव किया जाता है धरती में तो जो वाइब्रेशन कंपन जनरेट होता है कॉम्पेक्शन पाइल्स उसके थ्रू सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देती है। तो कॉम्पेक्शन पाइल्स का मेन पर्पस लोड कैरी करना नहीं होता है, इनका मेन पर्पस होता है ड्राइव इन, जब इनको ड्राइव किया जाता है धरती में सॉइल को कॉम्पैक्ट करना, इसलिए देखिए नाम भी आ रहा है कॉम्पेक्शन पाइल्स। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अच्छा बताइए पाइल फाउंडेशन शैलो से कैसे डिफरेंट है, पाइल फाउंडेशन क्या क्या काम करती है, कितने टाइप्स के, जैसे शैलो में पढ़ा था स्प्रेड है एंड ऑल, ऐसे इधर पढ़ रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम इस चैनल पर क्यों जुड़ते हैं, हम क्यों आते हैं इस चैनल पर, मैं क्यों आता हूँ, आप क्यों आते हो, मैं इसलिए आता हूँ कि मैं आपका एक बेहतर करियर बना सकूं, आप इसलिए आते हो कि आप एक अपना बेहतर करियर बना सको। तो मैं आपको लगातार बोलता हूं कि भाई इसरो एग्जामिनेशन अच्छा एग्जामिनेशन है। इसरो एग्जामिनेशन में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग की सीटें हर साल नहीं आती है, एक साल स्किप हो जाएगा ऐसे होता है, बट मान लीजिए आती है, नेक्स्ट ईयर आती है, उससे नेक्स्ट ईयर आती है, पिछले 5 साल के जब आप इसरो एग्जाम का एनालिसिस करोगे तो 10 क्वेश्चन, 9, 10, 11 इन तीन में से, तो एवरेज 10 क्वेश्चन हर साल आए, एवरी सिंगल ईयर। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं इसरो में, 80, 90 मिनट्स का टाइम, 80 में से 10 क्वेश्चन आप मान के चलो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन सोम के होते हैं, और 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के होते हैं। तो 80 में से करीबन 30 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक्स में से आगे, और न्यूमेरिक अगर आप देखोगे सॉइल मैकेनिक्स और सोम में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, बाकी सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसरो एग्जाम के साथ देखिए क्या होता है ना, जब आप एग्जाम देते हो, मान लीजिए आप में से कोई बच्चा बोले कि सर मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में जाने का है,
बट एक एग्जाम को देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पता चलता है आप कहाँ पर वीक हो कहाँ पर स्ट्रांग हो। तो इसीलिए कल रात सैटरडे को रात 9 से 11 मैं आपको पिछले 5 साल के इन इसरो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये रफली कितने 50 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि 50 में से इजिली यू कैन सॉल्व मोर देन 40 क्वेश्चंस इजिली। और अगर आप रेगुलर सेशंस में आते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 48 49 के आंसर दे देंगे, मैं श्योरिटी लेता हूँ। तो इसलिए सेशंस में रेगुलर आइए, न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो इंटरव्यू इसरो में जब आप रिटन क्रैक करोगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इंटरव्यू में बड़े अच्छे क्वेश्चन है। और इसरो की जगह आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, अपने स्टेट के पीएससी का नाम लिख दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और एग्जाम का नाम लिख दीजिए, मोस्टली द पैटर्न इज सेम। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एके जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, तो इंपॉर्टेंट है ही। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी पढ़ते रहिए। तो अभी हमने पाइल्स के बारे में पढ़ा बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, और इनमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल फाउंडेशन का एक बड़ा अच्छा काम भी होता है, ये लेटरल फोर्सेस को भी रोक देती हैं। तो ऐसे इलाके जहां अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि हमारे पहाड़ माउंटेन्स, वहां पर आपको पाइल फाउंडेशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट वहां पे पाइल फाउंडेशंस ही होती हैं। पाइल फाउंडेशन ऑब्वियसली महंगी पड़ती हैं, इसलिए आप देखिए पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन जो है बड़ा सीमित रह जाता है, क्योंकि तो इतना ज्यादा कॉस्टली है, तो उस हिसाब से कॉस्ट निकालना, इतना पैसा होना मुश्किल होता है, इसलिए कम कंस्ट्रक्शन हो पाता है, क्योंकि पाइल फाउंडेशन देनी अनिवार्य है बिकॉज ऑफ द लेटरल एक्शन दे प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट आया बेस्ड ऑन मटीरियल। मटेरियल के बेसिस में तीन है, पहला टिम्बर। एक क्वेश्चन मैं बहुत पूछता हूं कि वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब वुड को प्रोसेस्ड करके, वुड को बेहतर करके उसे इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज किया जाए, तब उसको टिम्बर बोलेंगे। वुड है जो प्लांट में आपको दिख रहा है, अनप्रोसेस्ड रॉ नेचुरल फॉर्म में, वो वुड है। अब इस नेचुरल फॉर्म को आपने एक दरवाजे के रूप में बना दिया, सोफे के रूप में बना दिया, तो ये टिम्बर हो गया। तो पाइल्स जो होती हैं वो टिम्बर की भी बनाई जाती हैं, बट टिम्बर आप समझ सकते हैं वुड कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल तो है नहीं। तो टिम्बर से देखें तो 8 मीटर तक की लेंथ जा सकती है, बट इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 25 किलो न्यूटन ओनली, वेरी लेस। उसके बाद अगर वाटर टेबल आसपास है तो देखते हैं ना, पानी की प्रेजेंस में लकड़ी पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो ये बड़ी दिक्कतें भी रहती हैं। दूसरा मटेरियल है स्टील। स्टील 1000 किलो न्यूटन तक का लोड सह सकता है, देखिए 25 से सीधा 1000, बहुत ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बट कोरोड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पानी जहां पर मान लीजिए फिर से वाटर टेबल आया, फिर से दिक्कत आएगी। वाटर टेबल बड़ा नुकसान पहुंचाता है सॉइल को। वाटर टेबल हम पढ़ ही रहे, कितने सारे टॉपिक्स में पढ़िया, राइज करेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसीलिए सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है कंक्रीट। कंक्रीट की लोड कैरिंग कैपेसिटी 750 किलो न्यूटन से 800 किलो न्यूटन तक वेरी करती है। ड्रिवन कंक्रीट पाइल होगी तो 750 तक वैल्यू मिलती है, जो मैक्सिमम लोड वो सह सकती है। कास्ट है, प्री कास्ट इन सीटू है, तो 800 किलो न्यूटन तक की कैपेसिटी मिल जाती है। ये जो मटेरियल है ना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है कंक्रीट। एक क्वेश्चन है, मैं हमेशा अपने सेशंस में पूछता हूँ, देन मैं इनका आंसर भी करता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, आप इसका मुझे आंसर बताइएगा जब आपको मिले टाइम। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि जो कंक्रीट है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में, बट वीक है टेंशन में। जो भी स्टूडेंट आरसीसी पढ़ता है उसे ये चीज जरूर पता है, वीक होता है टेंशन में, इसीलिए स्टील लगाया जाता है, जिसको फिर हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। पाइल फाउंडेशंस में भी ऐसा किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज दैट कंक्रीट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन, वाई ऐसा होता क्यों है, वट इज द रीजन बिहाइंड दिस।
देखिए, इंजीनियरिंग का मतलब पांच फॉर्मूले रट के छह न्यूमेरिकल कर लेना नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब या पढ़ाई का मतलब है आपके अंदर ये एबिलिटी जागरूक करना कि क्यों ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये स्टेटमेंट पता है, बट बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इस स्टेटमेंट के आंसर को पता करने की जागरूकता दिखाते हैं। अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ इसे तो बच्चे क्या, अच्छा हाँ स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, वीक होता है टेंशन में, उनके दिमाग में चीज नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है। सोचिए अगर कंक्रीट फेयरली स्ट्रांग होता कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, आपको रीइंफोर्समेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रीइंफोर्समेंट ही नहीं लगाते तो जो आरसीसी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वो आपका कितना थोड़ा सा रह जाता। यू वुड नॉट हैव रिक्वायर्ड द बार स्टील बार्स इन द कंक्रीट सेक्शन। तो कितना बड़ी चीज सिर्फ एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है कि कंक्रीट टेंशन में वीक है। डिस्कस करने का रीजन इस वक्त ये है कि आप जब पढ़ाई करते हो ना, क्वेश्चंस पूछिए, अपने से पूछिए, टीचर से पूछिए, पॉजिटिव स्पिरिट में। एक होता है नेगेटिव स्पिरिट की परेशान करना खुद को सबको, नहीं, पॉजिटिव स्पिरिट से कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर कॉन्क्रीट वीक है तो क्यों वीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच पर चलना आसान है बजाय बीच से थोड़ा दूर जाना, तो क्यों है ऐसा। ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, वो चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे आंसर्स नहीं होंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रेशर में रखकर पढ़ाई करोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। ट्रस्ट मी, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आई हैव सीन स्टूडेंट्स इनका माइंड बहुत शार्प है बट वो अपने आप को ना एक पैनिक एनवायरमेंट में रख लेते हैं। उनकी भी मजबूरी है, उनके सबकी अपनी मजबूरी है, बट यू नीड टू पुट योरसेल्फ आउट ऑफ दिस पैनिक एनवायरमेंट। ठीक है, रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ाई करिए, पढ़ते टाइम कंसेप्ट को समझिए, अपने आप अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे बढ़िया जो इसमें पाइल है, मटेरियल है, वो है कंक्रीट, और पूरा हमने आरसीसी सब्जेक्ट ही डेडिकेट कर रखा है इसके लिए। तीसरा आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने आपको बताया एक ड्रिवन है, ऐसे हैमर के थ्रू गाड़ दिया उनको जमीन में, और एक है कास्ट इन सीटू। इनके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे आगे जाकर। अब पाइल के यूज क्या होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पाइल। सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों आप कोई भी फाउंडेशन बनाते हो, ताकि आप लोड को सह सको। तो सबसे पहले इनका काम होता है कंप्रेसिव लोड सहना, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है ये उसको सहते हैं। दूसरा, टू कैरी अपलिफ्ट लोड्स। जैसे मैंने अभी बताया जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, या आप ये मानो इसे बायंसी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल ऊपर उठते हैं, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए हम पाइल फाउंडेशंस देते हैं। तीसरा, टू कैरी लेटरल लोड्स। लेटरल मतलब जैसे ये पाइल लगी है, यहां सॉइल लेटरली मूव ना करे तो आप पाइल फाउंडेशन लगा देते हो। जमीन से ऊपर रिटेनिंग वॉल है, जमीन के नीचे जब आप सॉइल का लेटरल मूवमेंट रोक रहे हो तो पाइल फाउंडेशन आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बट आपके सिलेबस में थोड़ा ही आपको पढ़ना है। अगर आप मास्टर्स करते हो जियोटेक में तब आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। अगेन, कहीं आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर मास्टर्स। देखिए, आप एमटेक कर सकते हैं, इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, जो आपको बहुत प्रीमियम नॉलेज देंगे। तो एमटेक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। एमटेक करके भी आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। इफ पॉसिबल देन एमटेक करिए, और जियोटेक्निकल तो बहुत अच्छी ब्रांच है एमटेक के लिए। अब देखिए मेन पार्ट आएगा हमारा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। जो अभी तक हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, क्या होता है, कैसे होता है नॉल। ये जो पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, ये है जो आएगा एग्जाम में। इस पर हमने मेहनत करनी है, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप पिछले 5 साल का, 10 साल का पेपर देखो, गेट एग्जामिनेशन का सेट 1 देखो, सेट 2 देखो, आपको फाउंडेशन पे हर एक साल क्वेश्चन दिखेगा, या तो शैलो पर होगा, या पाइल पर होगा, या दोनों पर होगा। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों पर ही ना हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है विच विल गारंटीली गिव यू द मार्क्स। 2 से 3 नंबर का आराम से आता है सब्जेक्ट में,
और आपके तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 2 से 3 नंबर के हैं, तो ये टॉपिक अपने आप में ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट एंड गिव एज मच एफर्ट एज पॉसिबल। तो अब हमें ये पता करना है कि ये के जो पाइल है ये कितना लोड कैरी कर सकती, कितना मैक्सिमम लोड इस पे लगाया जा सकता है बिफोर इट्स फेलियर। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो यहाँ पर लिखा है लोड कैरिंग कैपेसिटी, कितना लोड कैरी कर सकती है, एक हम टर्म लिखेंगे QU। Now QU is the ultimate load carrying capacity of the pile. QU वो maximum load है जो एक pile foundation carry कर सकती है before its failure, shear में fail होने से पहले, settlement में fail होने से पहले, जो maximum load pile foundation सह सकती है उसको QU, ultimate load carrying capacity बोलते हैं। आपके 99% क्वेश्चन इसी पर आने पाइल फाउंडेशन से। एक आएगी सिंगल पाइल, पहले हम पढ़ेंगे कि एक सिंगल पाइल कितना लोड कैरी कर सकती है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप, क्योंकि पाइल हमेशा ग्रुप्स में दी जाती है कि ग्रुप पाइल के केस में क्या होगा। थोड़ा सा पानी पी लें बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, सीजनिंग के बाद टिम्बर होता है। कॉम्पैक्शन पाइल बेटा वहां यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में सॉइल लूज है, ग्राउंड लेवल से नीचे का सॉइल बहुत लूज है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे के सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम कॉम्पैक्शन पाइल्स देते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन पूरी खोदनी पड़ेगी। तो बिना जमीन को खोदे जब आप पाइल को ड्राइव करते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन के थ्रू कॉम्पैक्शन किया जाता है ग्रैन्युलर सॉइल्स का। तो ग्रैन्युलर सॉइल्स जब आपको ग्राउंड सरफेस से नीचे कॉम्पैक्ट करने हैं तो कॉम्पैक्शन पाइल्स दी जाती है। नवनीत आप जो बोल रहे हो ना लेंथ के अलोंग कैसे होगा, अभी समझाता हूँ, इसी टॉपिक में समझाना है, बस थोड़ा सा पानी पी ले। सॉरी, अब देखिए तो हमें अब पता करना है इस QU के बारे में कि एक, अभी सिंगल पाइल के बारे में पढ़ेंगे कि एक सिंगल पाइल मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकती है। तो QU क्या है, इट इज द मैक्सिमम लोड ए पाइल कैन कैरी बिफोर इट्स फेलियर, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल। तो ये जो QU कितना लोड कैरी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। देखिए ऑब्वियस है, एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ये करेगी कि पाइल कितना लोड सह सकती है। दूसरा मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, ड्रिवन पाइल्स के केस में अलग वैल्यू मिलेगी, बोर्ड पाइल्स के केस में अलग वैल्यू मिलेगी। आप सोचोगे कैसे, जब पाइल्स को ड्राइव किया जाता है उनको जमीन में गाड़ा जाता है तो जो सॉइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ग्रेन्युलर सॉइल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो कोहेसिव सॉइल्स में भी आप पढ़ोगे दिक्कतें आ जाती है। तो कितना QU आपको मिलेगा, एक तो सॉइल पे डिपेंड करेगा और एक आपने फाउंडेशन दी कैसी है, ड्रिवन या कास्ट इन। उसके बाद इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द पाइल। ऑब्वियसली भाई क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो बेस के अलोंग ज्यादा लोड ट्रांसफर होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो लेंथ के अलोंग ज्यादा लोड ट्रांसफर होगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ QU की बात आती है कि अभी तो हमने ये पढ़ा कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है क्या, इसको निकाला कैसे जाता है। इसको निकालने के लिए बेटा 4 मेथड्स हैं। पहला है स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा है डायनामिक एनालिसिस, फिर है लोड टेस्ट ऑन पाइल्स, फिर है पेनिट्रेशन टेस्ट। इन दो को तो पढ़ना ही है, बट ये जो दो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके 90% क्वेश्चन इन्हीं पर आएंगे, स्टैटिक और डायनामिक पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक एनालिसिस, जब नेक्स्ट सेशन आएगा इन तीन को पढ़ेंगे और इनके साथ फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप, पाइल ग्रुप पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक एनालिसिस। तो QU निकालने के कि एक सिंगल पाइल कितना लोड कैरी कर सकती है, बहुत सारे मेथड है, उनमें से 4 मेथड है स्टैटिक, डायनामिक, लोड टेस्ट ऑन पाइल्स एंड पेनिट्रेशन टेस्ट।
आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक एनालिसिस। अब इस स्टैटिक एनालिसिस के थ्रू नवनीत के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पाइल फाउंडेशन, ठीक है, ये एक पाइल फाउंडेशन है। आपने थोड़ा सा एक लोड लगाया, आप लेट से आपने 2 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले जब आप लोड लगाते हो तो ये जो पाइल है पूरी जमीन में दबी हुई है, और इस लोड की वजह से ये जो एडजेसेंट सॉइल है और पाइल मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो पाइल है वो इस लोड को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, इसीलिए इसको फ्रिक्शन नाम दिया गया। पाइल और सराउंडिंग सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसकी वजह से लोड रेजिस्ट। आपने बोला सर हमने लोड को थोड़ा बढ़ा दिया, 2 से 5 कर दिया, अब क्या होगा, कुछ और लेंथ इन्वॉल्व हो जाएगी पाइल की जो रेजिस्ट करेगी। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे मोर एंड मोर लेंथ ऑफ द पाइल विल बिकम एक्टिव इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड अलोंग द एडजेसेंट सॉइल। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ये मान लीजिए एक पाइल फाउंडेशन है, आप लोड लगा रहे हो इस पे, तो लेंथ के अलोंग फ्रिक्शन जनरेट होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे मोर एंड मोर लेंथ विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरी लेंथ ऑफ द पाइल लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, इस लोड को नाम दिया जाता है QF, फ्रिक्शन, इसको एंड फ्रिक्शन या आप बोल सकते हो स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो लोड जो अलोंग द लेंथ, मैक्सिमम लोड जो अलोंग द लेंथ ट्रांसफर किया जा सकता है वो है QF, स्किन फ्रिक्शन। अब आपने बोला कि सर हमने लोड और बढ़ा दिया, हमने लोड QF से भी ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, अब लोड बेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, तब तक स्टार्ट होगा जब तक नीचे वाला सॉइल फेल ना हो जाए। याद करिए मैंने आपको बोला था कि शैलो फाउंडेशन का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं सिमिलर एनालिसिस हमको मिलेगा पाइल फाउंडेशन में। तो जैसे ही लोड लेंथ के बाद बेस के अलोंग ट्रांसफर होना शुरू होगा तो ये कंसेप्ट वैसा ही होगा जैसा तिरजागी ने दिया था। तो हम ये मानते हैं कि Q सबस्क्रिप्ट PU is the amount of load जो बेस के थ्रू ट्रांसफर हो गया, तो QF वो मैक्सिमम लोड है जो ट्रांसफर हुआ लेंथ के अलोंग, QPU वो मैक्सिमम लोड है जो ट्रांसफर हुआ बेस के अलोंग। तो स्टैटिक एनालिसिस ये कहता है कि अल्टीमेट लोड जो ये पाइल फाउंडेशन सह पाएगी विल बी QPU प्लस QF। तो स्टैटिक एनालिसिस बोलता है कि ये अल्टीमेट लोड है, इससे ज्यादा अगर लोड QU से ज्यादा हो गया तो हमारी जो पाइल है वो फेल कर जाएगी। अब हमारा पर्पस है QF और QPU को फाइंड करना कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए। सिंपल सा एक रिकैप कर देता हूं मैं, जैसे ही आपने लोड लगाया स्टैटिक एनालिसिस ये कहता है कि सबसे पहले लोड लेंथ के अलोंग ट्रांसफर होगा, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे मोर लेंथ ऑफ द पाइल विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब पूरी लेंथ लोड को रेजिस्ट कर रही है, अब आपने लोड और बढ़ा दिया तो नाउ बेस के अलोंग लोड डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो QF इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड अलोंग द लेंथ एंड QPU इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड अलोंग द बेस। अब हमें इन QPU और QF की वैल्यू पता करनी है कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल्स के लिए। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो एज पर स्टैटिक एनालिसिस QU इज गिवन एज QF प्लस QPU, ठीक है, QF is the load transferred through the length of the pipe and QPU is the load transferred through the base। अब एक पाइल बना लेते हैं,
मान लीजिए जो बेस है वो उसका एरिया ए बी है, ए बी इज द एरिया ऑफ द बेस। अब बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, मैं आपसे पूछूं कि अच्छा क्यू एफ की वैल्यू बताओ, इस ग्लास के थ्रू समझ लेते हैं। क्यू एफ, देखिए क्यू एफ है लोड, लोड क्या होगा, स्ट्रेस या प्रेशर इनटू एरिया। अब जो हमारा क्यू एफ है ये अलोंग द लेंथ लग रहा है, तो मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये एंटायर लेंथ रिस्पॉन्सिबल है लोड को ट्रांसफर करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ये सरफेस, दिस सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप क्यू एफ निकालोगे तो जो एरिया होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ द पाई, सरफेस एरिया ए एस। अब जैसे मैं बोलूं सर्कुलर पाई है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, दिस वैल्यू, ये क्या हो गया सरकमफेरेंस मींस पाई डी इनटू लेंथ। स्क्वायर पाइल है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, साइड्स के सम को ऐड कर दीजिए, 4 टाइम्स बी इनटू लेंथ ऑफ द पाइल। अब आता है प्रेशर, क्योंकि आपको क्यू एफ निकालना है प्रेशर। नाउ दिस टर्म इज नोन एज एफ एस। तो जो क्यू एफ होता है ये होता है एफ एस इंटू ए एस। इस एफ एस को स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं और ए एस है सरफेस एरिया। फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग ट्रांसफर हुआ है इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द पाइल रखा है। फिर क्यू पी यू, ये भी लोड है, स्ट्रेस निकाल लेंगे कैसे, दिस इज क्यू स्मॉल क्यू पी यू। अभी जो स्मॉल क्यू पी यू है ये वो है जो तिरजागी ने बताया था, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। फिर ए बी, लोड किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, बेस के थ्रू, तो ए बी में आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस। हो सकता है आपको अभी आपके डाउट्स हो कि सर ये ए बी कैसे आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको आराम से समझ लेंगे, बहुत आसान है, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पाइल फाउंडेशन है, फ्रिक्शन के अलोंग लोड ट्रांसफर होगा तो एरिया ए एस, सरफेस एरिया, बहुत आसान होता है सरफेस एरिया। फिर बेस हो गया ये ए बी, ठीक है, इसको आपने अभी ध्यान देना है। अब बात आती है एफ एस और क्यू पी यू निकालने का। सरफेस एरिया तो सिंपल है और बेस के एरिया निकालना आसान है। डायमीटर या विड्थ गिवन हो, पाइल फाउंडेशन की लेंथ गिवन हो, तो ए एस और ए बी आ जाएंगे। अब एफ एस और स्मॉल क्यू पी यू पर हमको फोकस करना है। हाँ, वेरी गुड, सर्कमफेरेंस ऑफ पाइल बिल्कुल। क्या कब लेंथ के लॉन्ग लोड ज्यादा हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट अभी आप देखो, मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था शुरुआत में कि एंड बियरिंग पाइल्स, एक मैंने आपको बोला था फ्रिक्शन पाइल्स, इसमें कॉम्पेक्शन पाइल्स, ये सब आई थी। तो एंड बियरिंग पाइल कब बनती है, जब बेस के अलोंग ट्रांसफर होने वाला लोड बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू जो लेंथ के अलोंग ट्रांसफर हो रहे हैं। फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, लेंथ के अलोंग ट्रांसफर होने वाला लोड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो लोड बेस के अलोंग ट्रांसफर हो, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कोई एक लोड दूसरे लोड को डोमिनेट कर सकता है। अब हमें इन पर मेहनत करनी है, एफ एस और क्यू पी यू पर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एफ एस, अब बेटा ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं, इनका डेरिवेशन नहीं करना आपने। सबसे पहले ये देखिए, फॉर कोहेशन लेस सॉइल्स मीन सैंडी सॉइल्स, ग्रैन्यूलर सॉइल्स, जो एफ एस होगा स्किन फ्रिक्शन, दिस विल बी के इंटू क्यू इंटू 10 डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, वेयर के इज अर्थ प्रेशर कोफिशियंट, Q is vertical pressure at the tip, this is gamma into length of the pile, delta is angle of wall friction, wall जो यहाँ पे ये material है pile का और soil के बीच में कितना angle है, this is known as delta. You do not need to worry, the value of delta would be given.
इस पर न्यूमेरिकल जब भी आया है पूरा डेटा सब कुछ गिवन होता है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए मैं एक बात बहुत बार ही बोल चुका हूँ, सिंपल टॉपिक के चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं और चैलेंजिंग टॉपिक्स के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा के अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा एंड यू वुड बी लाइक कि सर अगर फॉर्मूला याद हो तो फुल मार्क्स आ सकते हैं, अगर तो आपको फॉर्मूला याद करना है। तो ये याद रखिए, अगर कोहेशन लेस सॉइल है तो एफ एस की वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी, दो तीन बार न्यूमेरिकल करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर अगर कोहेसिव सॉइल है तो एफ एस की वैल्यू होगी अल्फा टाइम्स सी, और ये अल्फे को बोलते हैं, अल्फे कह रहा हूं, अल्फा को बोलते हैं एडहेशन फैक्टर। अगेन एग्जाम में गिवन होगा अल्फा। तो अभी तक आपने एक Fs स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू पढ़ी कोहेसिव सॉइल के लिए, Fs इज अल्फा टाइम्स सी। कोहेशन लेस सॉइल के लिए आपने पढ़ा K Q tan डेल्टा अपॉन 2, Q हो गया गामा टाइम्स लेंथ ऑफ द पाइल एम्बेडेड इन द ग्राउंड सरफेस। एम्बेडेड मतलब जो जमीन के अंदर है वो लेंथ लेनी है, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं। Fs पढ़ लिया, अब QPU का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, QPU आपने पढ़ा CNC plus QNQ plus 0.5 B gamma N gamma। जो ये थर्ड टर्म है ये देखा गया कि बहुत कम रहती है, पाइल फाउंडेशन के केस में इसको इग्नोर कर दिया, तो QPU आया CNC plus QNQ। अब अगर सॉइल कोहेसिव है तो तेरजागी ने बोला कि जो एन क्यू की वैल्यू होगी ये जीरो होगी और एन सी निकल के आएगा 9। याद करिए कि हमने पहले भी पढ़ा था शैलो में कि एन सी की वैल्यू 5.7 है या 5.14 है, एन क्यू 1 है, एन गामा 0, उस पर कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, हमने एक डेटा याद करा है। उसी तरीके से अगर पाइल फाउंडेशन है तो NC की वैल्यू 9 होगी, NQ की वैल्यू 0 होगी फॉर क्ले सॉइल। तो ये टर्म तो 0 हो गई, ये भाई साहब तो हट गए, और QPU आ गया 9 टाइम्स CB। B मतलब वो सॉइल जो बेस के नीचे है। अभी आप न्यूमेरिकल देखोगे, मुझे फॉर्मूले पढ़ाने तो पूरे न्यूमेरिकल के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा मैं, बट ये बात हम समझ सकते हैं कि पाइल फाउंडेशंस बहुत डीप जाती हैं, तो जो सॉइल लेंथ के लॉन्ग है और जो बेस के नीचे ये डिफरेंट हो सकती है। तो बी रिप्रेजेंट सॉइल जो बेस के नीचे, क्योंकि आप क्यू पी यू की बात कर रहे हो। अब ये है कोहेसिव के लिए, कोहेशन लेस के लिए क्या होगा, कोहेशन लेस के लिए देखिये ये टर्म तो इग्नोर करनी ही है, कोहेशन लेस है तो ये टर्म भी इग्नोर हो गई। अब भैया क्या बचे, ये बचे QPU इक्वल्स टू QNQ। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, Q की वैल्यू, ये जो Q है ये गामा इंटू L रखेंगे तब जब L की वैल्यू LC से कम हो, अभी मैं बताऊंगा LC क्या होता है, और गामा LC तब रखेंगे जब LC की वैल्यू L से कम। नाउ LC को बोला जाता है आर्चिंग ऑफ द सॉइल्स की लेंथ, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो DC नहीं है LC है, तो LC की वैल्यू रखनी है 10 फॉर लूज सेंट्स और 20 रखनी है फॉर डेंस सेंट्स। आई नो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड स्केप्टिकल कि सर ये सब क्या चल रहा है, इतने सारे फॉर्मूले क्या। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए, एक आध कोई और फॉर्मूला बता के मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करना है। बट हाँ बेटा, डेटा याद करना पड़ेगा। अब रिवाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आया कि एक क्लेई सॉइल है, बोलेंगे इसका क्यू यू बताओ कितना होगा, तो क्यू यू क्या होता है, क्यू एफ प्लस क्यू पी यू। क्यू एफ क्या होगा, एफ एस एरिया सरफेस एरिया, क्यू पी यू ए बी।
Fs कितना होता है कोहेसिव सॉइल के लिए? आपको बताया मैंने, अल्फा टाइम्स सी सरफेस एरिया, सी कोहेशन, अनड्रेन कोहेशन जो पढ़ते थे। क्यूपीयू क्या होगा? सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू वाले फॉर्मूले से आएगा। तो सी एन सी, एन सी कितना रखना है? 9। तो 9 टाइम्स सी बेस पर एरिया ऑफ बेस। सब डेटा गिवन होगा बेटा आपको, अभी न्यूमेरिकल करेंगे एंड यू वुड बी लाइक कि यस सर आपने जो बोला था वो है, सब डेटा गिवन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्ले सॉइल की अल्टीमेट वियरिंग कैपेसिटी इस फॉर्मूले से आ गई। अब मान लीजिए सैंडी सॉइल है, कोहेशन लेस, तो क्यू एफ प्लस क्यू पी यू, फिर से एफ एस ए एस क्यू पी यू ए बी। एफ एस कोहेशन लेस के लिए क्या था? के क्यू टेन डेल्टा बाई टू, टेन डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू पी यू क्या था? क्यू टाइम्स एन क्यू ए बी। अब ये जो क्यू यूज होगा इसके लिए ये डेटा आपको याद करना। इतने फॉर्मूले हैं सिंगल पाइल में, ये याद करने। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर याद हो अगर फॉर्मूला तो। ट्रिकी नहीं है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद है तो फुल मार्क्स पॉकेट के अंदर। हेलो समीर, हेलो। अब देखते हैं, ठीक है, अब आते हैं सीधा क्वेश्चन के पार्ट पर आते हैं। कोई बात बात नहीं, सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारे गेट के रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पाइल ऑफ 0.5 मीटर डायामीटर, तो डायामीटर 0.5 मीटर है, लेंथ 10 मीटर, तो लेंथ 10 मीटर है, इज एम्बेडेड इन ए डिपॉजिट ऑफ क्ले। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्ले। द अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द क्ले आर, तो कोहेशन की वैल्यू है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 है, 5-0 है। उन्होंने बोला द स्किन फ्रिक्शन, सिर्फ स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ द पाइल फॉर एन एडहेशन फैक्टर ऑफ 0.6 इज व्हाट? अल्फा की वैल्यू 0.6 है। बेटा क्यू एफ पूछा आपसे, देखिए किलो न्यूटन बोल रहा है ना, मतलब क्यू एफ क्या होता है? एफ एस इंटू ए एस। कोहेसिव सॉइल है, एफ एस क्या होता है? अल्फा टाइम्स कोहेशन इंटू ए एस। अब अल्फा कितना है? 0.6। कोहेशन कितना है? 60। सरफेस एरिया आपको यह पता करना है कि पाइल का कितना सरफेस कांटेक्ट में है सॉइल के। सर्कुलर पाइल है तो कितना होगा? सर्कमफेरेंस मतलब 2πr मतलब पाई डी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ इज 10, तो सरफेस एरिया विल बी पाई डी सॉल्व करके देखते हैं। 0.6 इंटू 60 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10, 565.2, 565 बी ऑप्शन। इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स अबाउट, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता है, यू विल गेट द आंसर्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दिस टॉपिक आई वुडेंट से डिफिकल्ट, दिस टॉपिक इज फॉर्मूला बेस्ड। इसीलिए अब जैसे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ने शैलो और डीप जल्दी पढ़ा दिया, जल्दी हो गया, जल्दबाजी में हो गया। जल्दबाजी में नहीं हुआ है, अब से पहले जो हम पढ़ते थे पूरा हम डेरिवेशन करते थे, मैं आपको समझाता था, आप उसमें डाउट पूछते थे, टाइम लगता था। अब क्या, अब तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या डाउट पूछोगे कि सर अल्फा की वैल्यू 0.6 कैसे? ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है।
अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों से, देखते हैं कितना करते हो आप। क्वेश्चन का इतिहास ये है कि 2017 दो नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, टू आइडेंटिकल कॉन्क्रीट पाइल्स हैविंग द प्लान डाइमेंशंस 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर ड्रिवन इनटू ए होमोजीनियस सैंडी लेयर एज शोन इन द फिगर। तो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर पाइल को जमीन में गाड़ा गया, सैंडी सॉइल है। कंसीडर द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू एस 24, ये फिगर दे रखी है। क्यू पी वन छूट गया ये, बट क्यू पी वन एंड क्यू पी टू रिप्रेजेंट द अल्टीमेट पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल्स अंडर ड्राई एंड सबमर्ज कंडीशन। सब कुछ सेम है। पहले केस में QP1 है जब वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरे केस में जब QP2 है तो वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड सरफेस पर आ गया, मतलब एंटायर पाइल सबमर्ज्ड हो गई। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? QP1 QP2 से तकरीबन 100% ज्यादा है, QP2 QP1 से 100% ज्यादा है, QP1 QP2 से 5% ज्यादा है या 5% कम है? बच्चों कोई आंसर बताना चाहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से तो दो नंबर में इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सैंडी सॉइल है, सैंडी। वेरी गुड, वेरी गुड मिनी वर्ल्ड बेटा, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले इसने क्या बोला है, अल्टीमेट पॉइंट बियरिंग। पॉइंट बियरिंग बोला है सिर्फ, अल्टीमेट लोड नहीं बोला है। मतलब वी विल नॉट कंसिडर स्किन फ्रिक्शन, वी विल ओनली कंसिडर पॉइंट बियरिंग। क्यू पी बोला है हमसे। अब सैंडी सॉइल है बेटा, क्यू पी यू का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल क्यू पी यू इंटू ए बी। दोनों ही केसेस में भाई पाइल तो वही है, तो बेस एरिया तो कॉन्स्टेंट है, तो ए बी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू पी यू विल बी स्मॉल क्यू पी यू, ये क्या होगा, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। 0.5 वाली टर्म हट गई, कोहेशन लेस है तो सी हट गया, क्या रह गया सिर्फ क्यू एन क्यू ए बी। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये क्यू है ये क्या होगा, गामा टाइम्स लेंथ ऑफ द पाइल एन क्यू ए बी। अब देखिए वही सेम पाइल है तो ए बी कॉन्स्टेंट, वही सेम सॉइल है एन क्यू कॉन्स्टेंट, लेंथ कॉन्स्टेंट। तो जो एंड बियरिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, गामा पर। तो जो क्यू पी है ये प्रोपोर्शनल हो गया गामा के। अब क्यू पी फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस की बात करें तो गामा भाई यही वाला यूज होगा, कोई वाटर कुछ नहीं है, तो 18 डिवाइडेड बाय क्यूपी टू की बात करें तो अब क्या हो गया, सॉइल सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होगा, सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो 19 माइनस 9.81, ये वैल्यू आई 9.19। तो क्यू पी वन कितना हो गया, 18 बाई आंसर, ये वैल्यू निकल कर आई 1.95 टाइम्स क्यू पी टू।
ठीक है, मतलब जो QP1 है, जैसे मैं आपसे बोलूं कोई वैल्यू 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा मतलब जैसे अगर 100 है तो 150 है, ठीक है, 60% ज्यादा है, तो अगर एक वैल्यू 100 है तो अगली 160 है। यहाँ QP1 आप देख रहे हो 1.95 टाइम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 100%, 95 मतलब ऑलमोस्ट 100% ज्यादा है। तो जो QP1 है, पहली बात तो वो QP2 से ज्यादा होगी, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते जहां QP2 की बात बोली गई है। सो ऑलमोस्ट 100%, 95% हो गए ना, ऑलमोस्ट 100% कौन ज्यादा है? QP1 QP2 से, क्योंकि जो QP1 है यहां सबमर्जेंस नहीं है, यहां सबमर्जेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन जो एंड बियरिंग है वो प्रोपोर्शनल है गामा के। और देखिए मैंने कई बार ही बताया आपको सबमर्ज्ड, और जो सबमर्ज होता है वो सैटरडेट का ऑलमोस्ट हाफ होता है। तो जो बाद वाली है जो QP2 है और जो QP1 है उसमें जो रिलेशन आएगा दैट विल बी अबाउट 100%। QP1 ऑलमोस्ट 100%, 100% मतलब ऑलमोस्ट डबल होगी किसके? QP2 के। दो नंबर का क्वेश्चन है और हद आसान क्वेश्चन। जल्दबाजी में बच्चे क्या कर सकते हैं, पॉइंट बियरिंग ना पढ़ के अल्टीमेट लोड लेके एफएस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अरे एफएस भी ले लेते हैं कि क्यू टेन डेल्टा अपॉन टू। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसी गलती कौन करता होगा, करते हैं बच्चे गलती, पॉइंट बियरिंग पे ध्यान नहीं देते, अल्टीमेट वर्ड पुट के एकदम पूरा जोश भर जाता है उनके मन में कि नहीं अल्टीमेट ठीक है बस, तो FSAS को कंपेयर करते हैं वहां डेटा लगता है इनसफिशिएंट है और भटक जाता है। तो आंसर आएगा ए। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, मिनी वर्ल्ड बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा आपको अपने ब्रेन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पॉइंट बियरिंग पूछा मतलब QPU AB, दोनों केसेस में फाउंडेशन सेम है, AB सेम है, फिर QPU क्या हो गया? QNQ, phi सेम है तो NQ सेम हो गया, फिर बचा Q, Q क्या होता है? गामा इनटू लेंथ, लेंथ सेम है, मतलब जो एंड बियरिंग है वो गामा पे डिपेंड कर रही है। और हम कई बार ये बात बोल चुके हैं कि सबमर्ज्ड कंडीशंस में जो यूनिट वेट होता है वो सैचुरेटेड का ऑलमोस्ट हाफ होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो QP1 होगी वो ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए QP2 के, डबल मीन्स 100%, तो अबाउट 100% आंसर आना चाहिए। तो जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इवन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दो नंबर का क्वेश्चन, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, कल सैटरडे को जो 9 से 11 वाला मैं आपका सेशन लूंगा विल बी ए मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर यू, मैसिव, बिकॉज यू विल फाइंड आउट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स का आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे, बशर्ते आपने यूट्यूब सेशंस ध्यान से अटेंड करो। अब कई बार क्या होता है आ जाए फिर नहीं आए, मतलब आज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, बच्चों के दिमाग में कई बार आता है कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 2014 का दो नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 500 mm एंड लेंथ 20 mm इज सब्जेक्टेड टू ए वर्टिकल कंप्रेसिव लोड। तो डायमीटर और लेंथ गिवन है, द पाइल इज एम्बेडेड इन अ होमोजेनियस सैंडी स्ट्रेटम वेयर फाइव, फाइव की वैल्यू गिवेन है, ड्राई यूनिट वेट गिवेन है, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन डेल्टा गिवेन है, कंसिडर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर के एस 2.7 एंड द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू एस 25, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज व्हाट। अच्छा मुझे एक बात कोई बच्चा बताएगा प्लीज ध्यान से सुनना इसको, क्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्यू यू पूछा गया है, क्यू एफ पूछा गया है या क्यू पी यू पूछा गया? क्यू यू मीन्स क्यू एफ प्लस क्यू पी यू का समेशन।
बेटा इसमें पूछा क्या गया है आपसे, इस क्वेश्चन में एक बारी क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ कि आपसे पूछा क्या गया। 1 मिनट का टाइम देता हूं आप। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि पूछा क्या गया। बताओ भाई, मिनी वर्ल्ड और समीर, अर्चित, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, क्वेश्चन ने पूछा गया है। क्यू यू पूछा है तो अलग आंसर आएगा, क्यू एफ पूछा है तो अलग आंसर आएगा, क्यू पी यू पूछा है तो अलग आंसर आएगा, और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ट्रिक है। ओके, मिनी वर्ल्ड ने बोला क्यू यू, बाकी बच्चे सोचिए पूछा गया। अटेम्प्ट तो करो, एटलीस्ट लिख तो दो कमेंट्स में। नवनीत, क्यू यू, अर्चित, क्यू पी यू। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया। क्वेश्चन में लिखा है, अब देखो, ए सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल, ये जो पाइल है ये फ्रिक्शन है, इसका मेजर लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो अलोंग दी लेंथ हो रहा है, तो जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाएगी, जो क्यू यू होगा वो क्यू एफ के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्यू एफ फाइंड आउट करना है। आप ये फिल इन द ब्लैंक है, आपने ऐसा नहीं है कोई गलती करी। बहुत सारे बच्चे क्यू यू ही समझते हैं कि क्यू यू मीन्स क्यू एफ प्लस क्यू पी यू। फिल इन द ब्लैंक है, ऑप्शन है नहीं, आंसर ऑप्शन मैच हो जाता है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो हमें लगता है भाई गलती हुई होगी, रीचेक करते हैं कुछ, इसमें तो रीचेक भी नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया है कि फ्रिक्शन पाइल है, तो मेजर लोड लेंथ के अलोंग ट्रांसफर होगा, आपसे क्यू एफ पूछा गया है। अब क्यू एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ एस ए एस। कैसा सॉइल है ये? सैंडी। तो एफ एस क्या होगा? के क्यू 10 डेल्टा बाई 2 इंटू ए एस। के की वैल्यू 2.7/2। गामा होता है जो पाइल फाउंडेशन है उसके टिप पे कितना प्रेशर है, तो ये जो क्यू है ये गामा इंटू लेंथ ऑफ द पाइल होता है। इस लेंथ को एम्बेडेड लेंथ बोलते हैं, एम्बेडेड मतलब जमीन के अंदर कितनी है, तो कुछ नहीं बोलते ऐसे, तो 20 मीटर है। तो क्यू कितना हो गया? गामा इंटू एल, यूनिट वेट भी कितना है? 20। तो क्यू की वैल्यू होगी 20 गामा और 20 लेंथ इंटू 10 डेल्टा। क्वेश्चन ने बोला है डेल्टा 2 5/3 है और फाइ 30 डिग्री है, तो 2 × 30/3 मतलब 10 20, तो 10 20 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये इतना, ये एफ एस हो गया, इंटू ए एस, एरिया इज सरफेस एरिया। कैसी है ये पाइल? सर्कुलर है, तो सरफेस एरिया कितना होगा? पाई। डी कितना है? 0.5। लेंथ कितनी है? 20। अब इसको सॉल्व करना है, अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड, तो 2.7 × 20 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10 20 इंटू पाई इंटू 0.5 × 20 6171। तो ये वैल्यू आएगी 6171.5 kN, 6174, ठीक है। तो बच्चों क्यों मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए दो चीजें, पहला फॉर्मूले याद हो आपको फुल मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये जो आपने गलती करी है, ट्रस्ट भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने करी बाकी, मैं जब भी क्लास में इस क्वेश्चन को पूछता हूँ 95% बच्चे क्यू यू ही बोलते हैं कि सर क्यू यू पूछा है, क्योंकि वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो देखो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी लिखा है ना, सर क्यू यू पूछा है? नहीं, उन्होंने ऊपर लिखा जाके कि फ्रिक्शन पाइल है। इस क्वेश्चन से हम ये समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ते टाइम पूरा पेशेंस रखिए। बहुत ज्यादा मुश्किल है पेशेंस रखना हर इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। बट पेशेंस जिसके पास है भाई, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत मुश्किल है इसको अचीव करने के, बहुत सारे तरीके बताए हैं बुजुर्गों ने, बड़ों ने। बट हाँ देखिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस था यहाँ पे 5। ठीक है, तो देखिए 2019 का, पिछले साल का 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सर्कुलर पाइल ऑफ लेंथ डायमीटर इज एम्बेडेड इन अ स्टिफ क्ले व्हिच हैज एन 100 यूनिट कोहेशन। दिस सी द एडहेशन फैक्टर अल्फा इज दिस, द नेट अल्टीमेट पुल आउट लोड फॉर द पाइल इज व्हाट। पुल आउट वो लोड जो पाइल को बाहर निकाल दे। अभी आप अगर ध्यान दो, मैंने एक फिगर बनाई थी कि ये क्यू लग रहा है और एरो अपवर्ड्स दिखाए थे। तो इस लोड को फ्रिक्शन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या करता है, रोकता है। ये डाउनवर्ड्स है, पाइल को अंदर लेके जा रहा है, ये अपवर्ड्स पाइल को बाहर लेकर आ रहा है। तो ये जो पुल आउट या अपलिफ्ट लोड है, ये एक्चुअल में है QF। इस क्वेश्चन ने आपको कितने, मतलब क्या बोलो, शैतान लोग हैं। डायरेक्ट ये नहीं बोला कि फ्रिक्शन लोड बता दो कितना आएगा, नहीं बोल रहे पुल आउट लोड बताओ कितना आ रहा है। और पुल आउट वर्ड बच्चों को पता ही नहीं होता, फॉर्मूला पता है बट पुल आउट के बारे में नहीं पता। तो यहाँ फिगर काम आती है। थोड़ा सा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया अल्फा दिया है, तो अल्फा दिया है तो इसका मतलब QF ही पूछा गया होगा तभी है। या सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखिए कि अगर पुल आउट लोड है तो बाहर की तरफ जो इसको निकाले पाइल को, तो एरो बाहर की तरफ इधर जा रहा है। अब QF क्या होता है, FS AS। FS क्या होता है, अल्फा टाइम्स CU AS। अल्फा कितना है, 0.5। CU कितना है, 110। कंक्रीट पाइल है तो AS क्या होगा, पाई। डी कितना है, 0.6। एल कितना है, 12। अब तो बहुत आसान है, अब तो कैलकुलेटर का काम है, बट ये पता करना कि पूछा क्या गया था वो मेन रोल है। तो 0.5 110 इंटू 3.14 इंटू 0.6 इंटू 12, 1243, 0.44 किलो न्यूटन। क्या पता चल रहा है, क्या कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया जो भयानक कंसेप्चुअल हो कि हम हिले गए कि कंसेप्ट कहां से किधर निकल गया। नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है और ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या। देखिए 3 क्वेश्चन। पहला ये, इन्होंने फ्रिक्शन पाइल दी, सिर्फ फ्रिक्शन पाइल। इन्होंने फ्रिक्शन वर्ड ना बोल के पुल आउट लोड बोला। इन्होंने एंड बियरिंग बात कर दी, एंड बियरिंग या पॉइंट बियरिंग एक ही बात, ये जो पॉइंट या एंड बियरिंग। तो आप देखो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड ही, थोड़ा सा बस वो चीजों को नाम में बदल देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कंक्रीट पाइल इज 500 ऑफ डा 500 इज ड्रिवन इनटू अ होमोजेनियस क्ले लेयर ऑफ 50 kPa इज 10 किलो न्यूटन। अब भैया कितना कुछ दे दिया डेटा। देखिए उन्होंने बोला है अल्टीमेट लोड ये है, तो QU की वैल्यू 800 दी है, ठीक है। C की वैल्यू 50 किलो पास्कल दी है, डायामीटर 500 mm दिया है और लेंथ 10 मीटर दी है। अब उन्होंने बोला इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल इज रिड्यूस टू 30 mm, जो डायमीटर 500 था वो घटा के 30 mm कर दिया, एंड द लेंथ ऑफ द पाइल इज इंक्रीज टू 20 मीटर, लेंथ बढ़ा दी। अब बताइए कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। भैया QU क्या होता है, QU होता है QF प्लस QPU। QU क्या होता है भैया, FS AS प्लस QPU AB। QU क्वेश्चन है। अब देखो इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला कि फ्रिक्शन पाइल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है।
तो ये क्यू यू ही गिवेन है 800। एफ एस क्या होगा? अल्फा टाइम्स सी कितना है? 50। सरफेस एरिया पाई डी एल प्लस क्यू पी यू, क्ले के केस में क्या होता है? 9 टाइम्स सी, एन सी 9 है, सी 50, और ए बी कितना होगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप क्या करोगे, यहां से पहले निकालोगे अल्फा को, इसमें एडहेशन फैक्टर नहीं दिया उन्होंने, तो फर्स्ट डेटा से आप अल्फा निकालोगे, आप इसको सेकंड डेटा में पुट करोगे। अब उन्होंने पूछा क्यू यू बताइए, जब क्रॉस सेक्शन बदल दिया तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, अल्फा इनटू सॉइल तो वही है कोहेजन 50, पाई नया डायमीटर कितना रख दिया 0.3, लेंथ कितनी रख दी 20, प्लस सी एन सी, इस पे तो कोई फर्क नहीं आया, तो एन सी 9 है, सी 50 है, पाई बाई 4, बेस कितना रह गया 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकालिए, गेट का क्वेश्चन है ये, और फिर उसको यहां पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर। अगेन कोई बहुत कंसेप्ट नहीं है कि एकदम घुस गए कंसेप्ट के अंदर, हाँ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक डेटा से पहले अल्फा निकालिए, वंस यू गेट अल्फा उसे दूसरे डेटा में पुट करिए एंड गेट योर आंसर। हाँ अर्चित, बच्चे फंस जाते हैं, और यही देखिए गेट एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज कंसेप्चुअल। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप देखिएगा लंबे न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत कम होता है कि क्वेश्चन घुमा दे आपको, क्वेश्चन आपको समझ आएगा बट लंबा होगा, इट विल टेक टाइम, आप सॉल्व कर रहे होगे, बट गेट का क्या होगा, रेयरली क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा, आपको आपके एक्सेस पे घुमा देगा वो, बट पहले से अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही, मिनी वर्ल्ड 0.91 आएगा ये। अब इस डेटा को ऊपर रखिए एंड गेट योर आंसर। एक क्वेश्चन और बचा होगा भैया, अरे बताओ तुम लोग इतने होशियार हो कि सारे क्वेश्चन ही हो गए। तो अभी हमने सिंगल पाइल फाउंडेशन के क्वेश्चंस करे, ठीक है, और भी क्वेश्चन है ना, फर्स्ट डे थोड़ा पहले वार्म अप कराया मैंने आपको, वार्म अप हो रहा है, फिर अभी हम ग्रुप पाइल्स को और पढ़ ले, उनके वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक सेशन रखेंगे जैसे अभी शैलो में रखा था, पूरे जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं अच्छे वाले सब कर लेंगे। डी फाउंडेशन की थ्योरी में अभी देखे दो चीजें रह गई, एक तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और एक पाइल ग्रुप्स। इसके बाद हम आएंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन पे, जिसमें आपने मैंने पहले बताया एसपीटी ये सब आता है। विद दिस द सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड, ठीक है, जियोटेक का सिलेबस हमारा फुल हो जाएगा गेट और ईएससी के हिसाब से। बट अगेन आई एम सेइंग दिस, यू नीड टू रिवाइज द सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। एज फार एज कंसिडरिंग कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा, इस पर अभी हमारी टीम डिस्कस कर रही है, व्हाट सो एवर बी द अपडेट आपको वो पता चली जाएगी, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस सेशन तो बिल्कुल आप लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर आप कुछ नया सीख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एज आज हम जल्दी हमारा मैटर हो गया है, 10 मिनट है। हाँ बहुत अच्छी बात है, शुभम सर हैं, शुभम सर लिखा कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, बिल्कुल, उनका उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ाया है, तो रेलवे के साथ साथ आप हाईवे भी पढ़ो, यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स देखो तो आप और सीख सकते हो। देखो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर आपने रैंक लानी है तो पहले से मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ, सोम सॉइल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स आरसीसी, ये 6 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही हैं। अगर आपने होता है ना आपका टारगेट 200 या 300 रैंक तक का है, तो
अब देखो सोम हमारे चैनल पर है, सॉइल खत्म होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में सर ने हाईवे पढ़ाई दी है और क्या कहते हैं उसे, रेलवे चल रहा है, आई एम श्योर रेलवे के बाद एयरपोर्ट पे आएंगे वो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग FM देखते हैं, आई होप सॉइल के बाद मैं RCC स्टार्ट करूं। तो आप देखो चार सब्जेक्ट्स, मतलब तीन तो हो ही गए, एक आई होप हो जाएगा इन्वायरमेंटल, और FM का भी हम कर रहे हैं बात टीम में, होपफुली देखते हैं कब से स्टार्ट होता है। तो चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद करण सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और FT पढ़ा रहे हैं। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, गो फॉर न्यूज़पेपर, वो बेस्ट सोर्स है पढ़ाई का। तो बहुत सारी चीजें इधर ही आपके चैनल पर ही हो जाएंगी बेटा। FM अभी देखते हैं कब स्टार्ट होगा, FM का भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, होपफुली जल्दी स्टार्ट हो। तब तक आई वुड सजेस्ट कि आप अनअकैडमी ऐप पर टीचर्स को फॉलो करिए, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं और न्यूमेरिकल सेशंस भी हैं, और पूरा प्रॉपर पढ़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हो। सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी FM लेक्चर को देख सकते हो, क्योंकि अभी चैनल का मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि YouTube चैनल पर कब होगा। कई और बात किसी ने पूछनी है एग्जाम रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो पूछ सकता है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो ये है, इसको यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिलेगा आपको। सो एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क? हाँ, कल देखिए रात 9 बजे क्लास है, 9 से 11, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के आसपास हैं इसके, जियोटेक्निकल के, इसरो एग्जाम के, इनको करेंगे और एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा हम, मैसिव। और मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, स्टेट लेवल PSCs में इसरो के ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसरो और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री है सेम लेवल ही होता है ऑलमोस्ट। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक मैसिव बूस्ट होगा कल रात 9 बजे का सेशन, जरूर आइएगा लाइव उसमें, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। बेटा PSC इज द पार्ट ऑफ RCC, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट RCC में ही आता है। तो मैंने बोला अगर RCC स्टार्ट हुआ तो फिर तो PSC भी मैं पढ़ाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पर PSC का मेरा एक स्पेशल लेक्चर है अराउंड 2 आवर्स का, उसमें उतना तो मैंने पढ़ा दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो करा दिया, बस लॉसेस नहीं पढ़ाए थे, 2 घंटे में लॉसेस हो नहीं पाते। तो आप क्या करो, आप उस ऐप पर जाइए, अनअकैडमी ऐप पर मेरे पेज पर जाइए, PSC लिखा हुआ है मैंने, कंसेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, उनको पढ़ लीजिए तो वो फायदा मिल जाएगा आपको। और ऐप पर और भी सेशंस हैं, उनको भी आप देख सकते हो। अच्छा, स्टेट PSC, ओ आई एम सॉरी, स्टेट PSC बोलो ना, अभी अब सब्जेक्ट की बात चल रहा है, स्टेट PSC। हाँ PSC पे करते हैं बेटा, अभी देखते हैं नियरेस्ट PSC कौन सा आ रहा है, करते हैं उस पे मदद। बट देखो मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो PSCs के जो क्वेश्चन डिराइव्ड हैं वो आते गेट और ESC से ही हैं, अलग से सेशन बिल्कुल लिया जा सकता है। मैं अभी चेक करता हूँ कि नियरेस्ट PSC का एग्जाम कौन सा आ रहा है, और उसके सोम सॉइल ओपन चैनल फ्लोर RCC के क्वेश्चन का एक सेशन रखूंगा, ठीक है? अभी देखते हैं, UPPCSC आने वाला है और आई गेस स्टेट लेवल आते ही रहते हैं, चेक करता हूँ कौन सा आ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई और चीज किसी ने पूछनी है? करियर काउंसलिंग कर रहा हूं मैं आज, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बस हाँ एक बात ध्यान रखिए, अपने स्पिरिट लिफ्ट रखिए, मुश्किल टाइम है, सबकी लाइफ में आता है, इस टाइम को पार करना है, पार करने का सिर्फ एक तरीका है, हार्डवर्क। ये तो बात सही है, AE और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्यादा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है।
नहीं रखूंगा मैं स्पेस सेशन। अभी थोड़ा क्या होता है ना, पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। लेट मी कलेक्ट द डेटा। दिसंबर के सेकंड वीक में किसी स्टेट लेवल पीएससी पे डिस्कशन करा जाएगा। हाँ कॉलेज की मेमोरी बेटा, एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है, यूट्यूब है ये। मेमोरी मेमोरी बहुत है। मैंने तुम्हें अपनी रैगिंग की मेमोरीज बता रखी हैं, बतेरी है वो। तो चलो बच्चों, आई बिलीव आपके डाउट सेशंस तो क्लियर हो गए हैं। तो अब हम मिलेंगे कल रात। कल हमारा इसरो का सेशन है। संडे मेरी कोई क्लास नहीं है चैनल पर। मंडे को फिर 3 से 5 बजे हम डीप फाउंडेशन आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप पाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करते हैं कि संडे और मंडे को थ्योरिटिकल पार्ट सारा निपट जाए, न्यूमेरिकल्स करें। बाय थर्सडे सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, ये सब नहीं बता सकते, ये टॉप सीक्रेट चीजें हैं ये। चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं कल 9 बजे। जरूर आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आइए, वो भी बूस्ट होंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। रात का टाइम इसीलिए रखा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन का पार्ट बन सके। लाइव सेशन में आएंगे तो डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। थ्योरी के थ्रू, मतलब न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी भी मैं आपकी रिवाइज करा दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आईसी पर है तो IL का भी फॉर्मूला लिख दूंगा कि देखो IL ये होता है, तो रिवाइज भी हो जाएगा। IT पूछा है टफनेस इंडेक्स, IP अपॉन IF, तो IP का भी फॉर्मूला लिख के और IF का भी फॉर्मूला लिख के आपका रिवीजन भी करा दूंगा मैं, ठीक है? तो मान के चलिए कल आपका बहुत सारा पार्ट रिवाइज भी हो जाएगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे कल। मेक श्योर लाइव जरूर आना है, लाइव आना है लाइव, ठीक है? टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट वेल, स्लीप वेल एंड यस स्टडी वेल। बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों। बाय बाय।